चैनल की खबर का बड़ा असर। फावर्स इंटर कॉलेज में कंट्रोल नियुक्त किया गया। फावर्स इंटरमीडिएट कॉलेज एसोसिएशन संघर्ष समिति यहाँ पर संयुक्त शिक्षा निदेशन अयोध्या मंडल के बैनर तले चल रहा आंदोलन आज हुआ स्थगित। बता दें कि कुछ दिन पहले प्राइम बी के न्यूज़ चैनल द्वारा ही कॉलेज में कंट्रोल ना होने के कारण खबर चलाई गई थी, जिसका खबर का हुआ बड़ा असर। फावर्स इंटर कॉलेज में बता दें कि प्राधिकृत निमंत्रण और नियुक्त करने में बाधा पहुंचाने के विरोध में आंदोलन के प्रमुखता से दिखाया था। आज कंट्रोल की मांग पूरा होने पर धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। अधिवक्ता विवेक चंद्र सोनी ने बताया कि फावर्स इंटर कॉलेज में कंट्रोल नियुक्त करने की मांग की गई, इसका आज हल हो गया, धरना स्थगित किया गया। प्राइम बी के न्यूज चैनल के लिए आजम खान, अयोध्या, उत्तर प्रदेश। हम लोगों का धरना शिक्षा भवन पर चल रहा था। दोषी प्रबंध समिति पर कार्रवाई को लेकर के जेडी फैजाबाद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जबकि जिला विद्यालय निरीक्षक की दो दो बार संतुष्टि उनके पास भेजी जा चुकी है। शासन ने भी संतुष्टि कर दिया है, उसके बाद भी वो रोके हुए थे, लेकिन आज वो बुला करके पत्र निर्गत कर दिया, कंट्रोलर यहाँ पर नियुक्त कर दिया है राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य को, और उन्होंने धरना समाप्त करने के लिए गुजारिश किया। आज धरना फिर समाप्त कर दिया गया भ्रष्टाचार के उसके खिलाफ, और उसके कंट्रोलर नियुक्त करने के लिए हम लोगों ने किया था, जिसमें जेडी अयोध्या जो है वो साइन नहीं कर रहे थे, उसी के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था। उसका संज्ञान लेते हुए आज उन्होंने उसको हमको प्राप्त उसका पत्र प्राप्त करा दिया है, इसलिए हम लोगों ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। और बाकी हमारे वकील साहब जो हैं, हमारी संस्था के वकील साहब हैं, ये बताएंगे आपको। ये था कि फावर्स इंटरमीडिएट कॉलेज, इस पर अवैध तरीके से काबिज हुए सैयद निजाम अशरफ, जो अब आज की डेट में मरहूम है, उनका लड़का, उनका पुत्र सैयद सुल्तान अशरफ इस समय कमेटी का प्रबंधक बना हुआ है, तो उसके संबंध में बहुत सारी वित्तीय अनियमितताएँ और अनियमित नियुक्तियाँ और ये सारे भ्रष्टाचार के मामले यहाँ पर लंबित थे और किए गए थे, जिसके संबंध में फावर्स इंटरमीडिएट कॉलेज एसोसिएशन जो हमारी कमेटी है, जिसके प्रबंधक हमारे फहीम भाई हैं, उनके नेतृत्व में और इकबाल खान जो अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सारे के सारे उनके पूरी कमेटी के अध्यक्षता की हैसियत से इस प्रकरण का निष्पादन किया गया। इस प्रकरण को परसू किया गया। परसू करने के बाद में आज की डेट में हमारा जो धरना प्रदर्शन था वो स्थगित हुआ है। स्थगित इसलिए हम कह रहे हैं, शब्द उसका इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी विवादक इश्यूज़ अभी भी पेंडिंग हैं, जैसे आफरीन फातिमा की वेतन रिकवरी, जो 10 सालों तक उसने वेतन लिया है इलीगली, दो दो डेट ऑफ बर्थ और तीन तीन फर्जी टीसी होने के बावजूद एक ही साल की एक ही क्लास की, उसमें उसने उसकी इलीगल नियुक्ति हुई, नियुक्त होने के पश्चात उसने वेतन आहरित किया, उसकी रिकवरी करानी है, उसके संबंध में FIR करानी है, और जो दोषी प्रबंध समिति थी जिसको आज अतिक्रमित करके और जेडी अयोध्या ने ये ऑर्डर पास किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज के जो प्रधानाचार्य हैं उनको कंट्रोलर नियुक्त किया है, प्राधिकृत नियंत्रक, तो उनके माध्यम से भी हम इस बात को रखना चाहते हैं कि अभी ये हमारा धरना प्रदर्शन आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है, क्योंकि हमें और भी इश्यूज़ को आगे ले जाना है। आफरीन फातिमा को जेल भिजवाना है, दोषी प्रबंध समिति जिसके स्वयंभू तथा कथित प्रबंधक सैयद सुल्तान अशरफ हैं उनको भी जेल भिजवाना है। पूरी कमेटी इस समय जो काम कर रही थी, चूँकि अब तो कमेटी के हाथ से सारे फाइनेंशियल पावर्स और सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स सब विड्रा हो चुके हैं, आज की डेट में वो वहाँ पर कंट्रोलर नियुक्त हो चुका है, लेकिन जो उन्होंने गड़बड़ियाँ की हैं, वित्तीय अनियमितताएँ, अवैध नियुक्तियाँ, इन सब के बाबत इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के संबंध में कार्रवाई की जानी है, इनको जेल भिजवाना तय सुनिश्चित किया जाएगा, इस बात को भी परसू किया जाएगा, और उसके संबंध में हो सकेगा तो हम लोग आंदोलन पर फिर बैठेंगे। ये हमको अधिकृत किया गया है, हमारी कमेटी जो फावर्स इंटरमीडिएट कॉलेज एसोसिएशन रीडगंज अयोध्या है उसकी तरफ से, कि आप इन सारी बातों को रखें, उनके अधिवक्ता के